नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में रोजगार पाना उतना आसान काम हो गया है जितना कि आप किसी जनरल स्टोर से कोई सामान खरीदते हो ना, उतना आसान। मतलब जनरल स्टोर पे आप बोलो कि ये सामान मुझे चाहिए, आपको सीधा सामान मिल जाता है, कोई परेशानी होती है ना, उससे भी कम परेशानी में आप उत्तर प्रदेश में रोजगार पा सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि अरे वाह दोस्तों, ये टेक्निक मुझे भी अब तक नहीं पता थी, ये तरीका मुझे भी अब तक नहीं पता था, मुझे अभी हाल ही में। आप सोचेंगे आप तो रोज़ लाइव में आके पढ़ाते हो, उस टाइम तो आपने कुछ नहीं बताया था। तो दोस्तों मुझे भी यकीन मानिए अभी हाल ही में पता चला है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को बता देता। वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आप 100% बेरोजगार रहने वाले हो। अगर पूरा वीडियो देखा तो समझ के चलिए कि आप इस वीडियो के बाद सीधा रोजगार पे ही जाने वाले हो। मैं ऐसी टेक्निक, ऐसा सीक्रेट आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा वीडियो ना कभी बना है ना कभी बनेगा भविष्य में कि सिर्फ एक वीडियो और आपको। बकवास लग रही है बात? नहीं लगेगी, दो मिनट रुको, आपको दो मिनट में ही हकीकत पता चल जाएगी। हाँ यार, ये तो तरीका, ये हमको भी आज तक नहीं पता चला था। तो चलिए पहले मैं योगी जी की एक वर्चुअल रैली का आप लोगों से उल्लेख कर दूँ, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो, 90 लाख को दे चुके हैं रोजगार, 90 लाख संख्या पर ध्यान देना। इसी माह 1.25 करोड़ को रोजगार, मैं इसी रोजगार की बात करूं, 1.25 करोड़ रोजगार इस महीने बटने वाला है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया और टेक्निक आपको पता नहीं चल पाई तो भाई साहब फिर पता नहीं कब नंबर आएगा आप लोगों का, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहें। 1.25 करोड़ रोजगार, 25 करोड़ जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की अनुमानित है वर्तमान समय में। 1.25 करोड़ को रोजगार मिल जाएगा, इससे पहले लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, बाकी रोजगार ये अब मिल जाएगा इस महीने में। तो ये रोजगार दोस्तों आपको किस तरीके से लेना है, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, दो ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको अगर ये वाली जॉब पसंद नहीं है तो आप ये वाली जॉब कर सकते हो, अगर आप ये जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप ये जॉब कर सकते हो। आप किसी शहर से हो, गांव से हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए रास्ते बताऊंगा। अगर आप शहर से हैं तो आप इस जॉब को कर लें, अगर आप गांव से हैं तो आप इस जॉब को कर लें, पक्का। योगी जी का ये भाषण तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। और अगला इसमें क्या कहा जा रहा है, हाँ, 6 साल में 6 दशकों से भी ज़्यादा काम, यानी कि मोदी सरकार ने इन 6 सालों में इतना काम करा दिया कि आने वाली सरकारें उतना काम 60 साल में नहीं करा पाती हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बात से, मतलब असहमत नहीं हो सकते कि मतलब हाँ ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है, ऐसा मानो इस बात को, अखबार में आया है, न्यूज़ वाले बताते हैं, तो आप क्यों नहीं मानोगे इस बात को। न्यूज़ वाले सच बोलते हैं, अखबार वाले बिल्कुल सच बोलते हैं, उनकी बात पे यकीन किया करो आप लोग। रोजगार नंबर एक की बात करेंगे जो कि शहर से जुड़ा रहेगा, इसमें गाँव वाले शहर वाले दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए, लगभग तो आप 10th पास हो, किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी, कुछ भी चल जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने शहर के आसपास एक ऐसा सेंटर देखना है जहाँ पे कौशल विकास का सेंटर हो। हर शहर में होता है, हर शहर में सरकार ने खुलवा दिए, रोज़गार देना है ना। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके अपने एडमिशन की बात करनी, सर मेरा एडमिशन ले लो, मैं ऐसे ऐसे रोज़गार परख होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आप दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह दो जमा कर देंगे और सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा, शायद उसमें फीस भी ना के बराबर ही आपकी जाएगी। यकीन मानिए जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन से आप रोजगार परख हो जाएंगे सरकार की लिस्ट में। किसकी लिस्ट में? सरकार की लिस्ट में। अब आपको रोजगार मिला नहीं मिला इससे हमें क्या मतलब है, सरकार को तो रोजगार हाँ भी मिल गया ना, कितने एडमिशन हुए, 10,000 लोगों को रोजगार मिला मंडे में, अगले दिन कितने एडमिशन हुए, 20,000 लोगों को रोजगार मिला उत्तर प्रदेश में। आप नहीं मानोगे इस बात को, क्यों नहीं मानोगे भाई, सरकार नहीं मानती है क्या? अरे जब सरकार मानने को तैयार है कि रोजगार मिल गया तो आप क्यों नहीं मानोगे, आप कौन होते हो नहीं मानने वाले। ये जॉब अच्छी नहीं लगी, बकवास लगी, ये जॉब अच्छी नहीं लग रही है आपको, बकवास लग रही है, छोड़ते हैं, चलो ये कौशल विकास को छोड़ो, मैं अगली जॉब की ओर रिकमेंडेड करता हूँ आपको, मैं अगली जॉब के बारे में बात करता हूँ आपसे, वो जॉब आपको निश्चित तौर पे पसंद आएगी। ये जॉब उन लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। अब ये कैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को फ़ायदा पहुँचाएगी, तो सुनिए, हर गाँव में एक प्रधान नियुक्त किया जाता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। सरकार ग्राम प्रधान के अंडर में एक योजना चलाती है, नरेगा। क्या चलाती है? नरेगा, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी कह सकते हो, नरेगा भी कह सकते हो, जिसे कभी कांग्रेस ने शुरू किया था, बीजेपी ने शुरू नहीं किया, कहीं गलतफहमी आ जाए आपके अंदर भी बीजेपी इसको शुरू करी थी। आपको क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक की पासबुक लेके जानी है, 2 फोटो लेके जानी है, हाई स्कूल वाई स्कूल की कोई मार्कशीट की जरूरत नहीं, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये नहीं चाहिए, अगर है तो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको जाके वहाँ पर कागज जमा करने हैं अपने। बोले कि सर मुझे मेरा आईडी कार्ड बना दो। आईडी कार्ड मतलब जो जॉब वालों को होता है, उसे वास्तव में जॉब कार्ड कहते हैं तो भी अच्छा रहेगा, और आईडी कहोगे आप अपनी जॉब आईडी तब भी सही रहेगा। आज आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके आए, कल परसों तक आपको आपकी आईडी यानी कि आपका जो जॉब कार्ड है वो घर पहुंच जाएगा, या फिर आप जाके अगले दो दिन में उसे ले आएँ। आपको रोज़गार मिल गया, आप रोजगार परक हो गए, आपके खाते में 202 रुपए आना शुरू हो गए। लेकिन ये रोजगार 100 दिन का रहेगा। अरे 100 दिन का रहेगा तो क्या हो गया, 100 दिन का हो गया तो क्या हो गया, और काम करेंगे जब भी पैसा मिलेगा तभी तो मिलेगा। 202 रुपए कब मिलेंगे, जब आप तालाब में काम करने जाएंगे, चक्रोट बनाने के लिए जाएंगे, तब आपको 202 रुपए आपके खाते में भेज जाएंगे। लेकिन वो रोजगार मिल गया आप लोगों को, मतलब सरकार ने मान लिया भैया इन भाई साहब को ये रोजगार मिल गया, लिख दो 50,000 रोजगार इस महीने नरेगा के माध्यम से दिए गए। लिख दो भाई साहब इन 6 महीनों में 20 लाख रोजगार नरेगा के माध्यम से दिए गए, 20 लाख रोजगार कौशल विकास के माध्यम से दिए गए, ये सब लिख दो, आपको रोजगार मिल गया। बहुत बकवास लग रहा है आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू की बकवास कर रहा है, वीडियो के सामने बैठ के टाइम ख़राब कर दिया। तो मेरे भाई ये बकवास पिछले 4 साल से अपने उत्तर प्रदेश में हो रही है, और आप बड़े चाव से बड़े प्यार से इसको सुनते आ रहे हो। अब आपको करना क्या है, अब आप ये करिए कि अपनी वोटर आईडी को तैयार करिए कि आपकी वोटर आईडी कहाँ रखी हुई है, और देखिए कि आपका वोटर आईडी में नाम है या नहीं है, या फिर वो लोग देखिए कि जिनके वोट नहीं बने, अपने वोट बनवाने की तैयारी कीजिए, वोटर आईडी को संभाल के रखिए। 2022 में आपको वोट देना है, 2022 में आपको क्या देना है, वोट देना है। वोट देने का काम आपका है, सवाल करने का, सरकार से किसी भी चीज़ को पूछने का काम आपका नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जितना बेवकूफ़ आप इस युवा को समझ रहे हो ना, उतना बेवकूफ़ ये युवा है नहीं वास्तव में। अलाहाबाद, बनारस, लखनऊ की लॉज में जो बैठा युवा है वो आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोच रहा है। आपकी इज्जत 2022 में खतरे में, योगी जी इसको संभालिए, हकीकत पे वास्तविकता में कुछ काम कीजिए। ये धरती महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कृष्ण और महात्मा गांधी की रही है। यहाँ जो भगवा वस्त्र धारण कर लेता है वो झूठ से कोसों दूर रहता है, और आप एक भगवा वस्त्र धारण करने के बाद, अपने नाम के आगे योगी लगाने के बाद, आप दिन रात झूठी बोलते हैं युवाओं से। आप हमें बताइए क्या ये बात सत्य हो सकती है? आपको लगेगा हाँ सर ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वास्तविकता में है तो यही। इन बीते 4 सालों में आपने लगभग हम मान के चले कि लाख वैकेंसी पूरी कर दी है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी की बहुतायत संख्या मानी जा सकती है। 2 वैकेंसी कांस्टेबल की कंप्लीट हुई हैं, बाकी सारी छोटी वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हुई, किसी में 500 पद थे, किसी में 600 पद थे, किसी में तो 150 के अंडर ही पद रखे गए थे। तो छोटी छोटी वैकेंसी 7 से 8 यूपी ट्रिपल एससी से पूरी हो गई हैं, कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पूरी होने के कगार पे हैं, तो कुछ की ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बड़ी भर्ती सिर्फ यूपी पुलिस और एक शिक्षक भर्ती ही हो पाई है योगी जी, बाकी कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने के लिए हर युवा नहीं जा सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हर युवा फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि उसके क्राइटेरिया को हर व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, या तो वो ओवर एज होते हैं या फिर उनकी हाइट कम होती है, तो वहाँ कई सारे चांस निकलने के होते हैं। युवा के पास आखिरी उम्मीद बचती है लेखपाल, वीडियो क्लर्क जैसे एग्जामों की, आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, पैट जैसे नाटक को हटाइए, डायरेक्ट एग्जाम कराइए, और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग उन लोगों के घर तक पहुँचाइए। ऐसी हम अपील आप लोगों से करते हैं, और सभी युवाओं की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द कुछ करिएगा, क्योंकि 2022 में आपका इलेक्शन लगा हुआ है। इलेक्शन लगने से पहले आचार संहिता लग गई तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकेगा। चीख चीख के आपसे युवा रिक्वेस्ट कर रहा है, ट्विटर कैंपेन कर रहा है, यूट्यूब के माध्यम से आपसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तक किसी भी माध्यम से बात नहीं पहुँच पा रही है, पहुँच पा रही है या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप बिल्कुल इग्नोर इसको मत करिएगा, वरना योगी जी आपको 2022 में। युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे कहीं से कहीं तक, इस बात का आप यकीन मान के चलिएगा। आप पता नहीं आपको कौन ये सूचना देता है कि इतने रोजगार जा रहे हैं, उतने ये हो रहा है, उतना ये हो रहा है, वास्तव में हो कुछ भी नहीं रहा है। मजदूरी कभी भी रोजगार की श्रेणी में नहीं आ सकती है, और किसी भी रोजगार पर काम में एडमिशन लेना रोजगार नहीं होता, रोजगार के मायने अलग होते हैं दोस्तों, और ये सब चीज़ें सरकार बता रही है ये एक अलग चीज़ें होती हैं। योगी जी काम वो दीजिए जिससे कि लोगों के घर चल सकें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बातों से लोगों के पेट को भरने की कोशिश करें, बातों से कभी किसी का पेट भरा है ना भरेगा। आशा करते हैं दोस्तों काफ़ी कुछ आपको इसमें पता चला होगा, अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।